माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो उसके बाद मैंने बताया कि जैसे आप कमेंट नंबर सी में चले जाएंगे तो सी वीडियोग्राफी हो जाएगी आपकी। वीडियोग्राफी के बाद आप अपनी लाइन नंबर सी में बैठ जाएंगे। तो जैसे आपकी कमेंट नंबर सी है तो उसके आगे एक डेस्क लगे होंगे, उसके आगे चेयर होगी, उसके पीछे दो बंदे बैठे होते हैं। दो बंदे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और फाइल आपसे लेके रख लेंगे। अब बारी की फॉर्म पैसे भरना है। सबसे पहले आप लाइन तक पहुँच गए हो, लाइन से पहुँचने के बाद अब आपने जो ये परफॉर्मा दे रखा है कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, अब आपकी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अब ये देखिए, इसके बाद सेकंड पेज जो है एक अंडरटेकिंग, ये जो अंडरटेकिंग है उन भाइयों के लिए जिन्होंने गलती से सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया ले लिया या नहीं लिया है, उनके लिए है ये। तो जो वो लोग हैं जिनको विड्रॉ करना या नहीं करना, वो ये फॉर्म फिल करेंगे, या जो भी इनको मतलब लेना है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब हमारा तो है TGT मैथमेटिक्स है ये, नहीं उसके बाद, हाँ ये है TGT साइंस। अब इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रूटनी परफॉर्मा, ये ध्यान रखना है ये स्क्रूटनी परफॉर्मा है। अब यहाँ पर डेट डाल देंगे आप, जैसे आप आज आपकी 21 तारीख है तो आपने 21 डाल दी। अब उसके बाद कमेटी नंबर आपको कहाँ से अलॉट होगा, मैंने बता दिया वहाँ से आपको कमेटी नंबर अलॉट होगा, तो आपने कमेटी नंबर सी डाल दिया। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है आपने यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया। फॉर एग्जांपल से आपका रोल नंबर है 2211004 समथिंग कुछ भी। आपका कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैटेगरी जो आपने डिमांड कर रखी, फॉर एग्जांपल से EWS, SC, OBC, जनरल, जो भी है आपका। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे मैट्रिकुलेशन, तो यहाँ पे सब पे इन कॉलम्स में सब में यस यस करना है, यहाँ पर आपने यस करना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको पता है कहाँ पे लिखा, वो लिखना है। डेट ऑफ इशू भी लिखनी है, ऑथरिटी भी लिखनी है कि CBSE से किससे, रिमार्क का कॉलम खाली रहेगा। उसके बाद बैचलर डिग्री जिसका कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिलहाल के लिए तो सभी अपने अकॉर्डिंग यस कर देना, बाद की बात है वो तो आपका रिजेक्ट होता है एक्सेप्ट होता है, उसमें बाद में मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल से ये हमारा क्राइटेरिया ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर आएगा आपका यहाँ पर, अगेन सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका 2268 जो भी है, फिर डेट ऑफ इशू, ऑथरिटी नंबर। अब यहाँ पर देखो जो मेन चीज़ है, हायर क्वालिफिकेशन MSc कोई लगाना चाहता है, कोई फ़ायदा नहीं उसको लगाने का, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल नहीं रहा आपको, इट्स अप टू यू, आप लगाना चाहते हैं लगाइए, नहीं तो नहीं। अब एसटेट सीटेट भी सेम आप फिल कर दोगे। उसके बाद सब कैटेगरी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में डोमिसेल का आपका जो भी डोमिसेल, यहाँ पर आपका जो डोमिसेल होगा डोमिसेल का आप वो डाल दोगे, क्या नाम है, यस करके। सब इसमें याद रखना, सबको यस यस करना है, इसमें यस यस करके, और उसके बाद जो नंबर एंट्री आप फिल कर दोगे। अब मेन चीज़, बहुत सारे लोग होंगे जिसका कोई कॉलम फिल नहीं होता होगा, फॉर एग्जांपल से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर कोई अनरिजर्व है तो ना तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना सब कैटेगरी होगा, तो उसमें सभी को डैश डैश करना है। प्लीज़ ये ध्यान रखें, कोई भी कॉलम अगर आपका खाली बचता है उसको डैश डैश कर दें, ठीक है। एज रिलैक्सेशन आप चाहते हो नहीं चाहते तो इसको डैश 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 कर दें सारे को, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, वरना वो वहाँ पर जाओगे आप, वो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप ये करो, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर। प्रेफरेंस भी ज़रूर ध्यान से भरना, जैसे रेस्ट ऑफ हरियाणा चाहिए आपको या मेवात कैडर चाहिए, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करने विद डेट, ये मत भूलना, यहाँ पर साइन करेंगे आप विद डेट। अब इस सेकंड परफॉर्मा में जब आप आओगे, अब ये इंपॉर्टेंट अगेन, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कोई अगर क्लेम करना चाहता है तो वो यस लिखेगा। यस लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पर रीज़न लिखेगा उसका, या फिर अगर नो है, फॉर एग्जाम्पल से कोई सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेना ही नहीं चाहता, तो यहाँ पर सब जगह नो नो आएगा। नो नो आने के बाद बाकी जगह तो डैश डैश आ जाएगा जो भी क्राइटेरिया नहीं है, बट फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, ये प्लीज़ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये लोग समझ पाएँ, वहाँ पे जाके परेशानी ना हो, कि जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, इस फर्स्ट कॉलम में क्या करना है आपको, यहाँ पर रीज़न लिखना है, रीज़न कि क्या रीज़न आप ये क्राइटेरिया नहीं चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल से आप ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्यों नहीं चाहते, या तो आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप यहाँ पर आप लिख दोगे हाई इनकम, यहाँ पर लिख दोगे हाई इनकम इस वाले में सर्टिफिकेट वाली लाइन में। अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, तो यहाँ पे लिखोगे आप फादर वाज या इन गवर्नमेंट जॉब, या फिर खाली लिख दोगे आप क्या नाम है, इन माय फैमिली देर इज़ गवर्नमेंट जॉब, और उसके बाद यहाँ पर आप साइन करेंगे, साइन विद डेट। अब कोई भाई ऐसा भी होगा या कोई ऐसा भी होगा जिसने गलती से क्राइटेरिया उस टाइम पर अवेल कर रखा होगा, अब न्यू क्राइटेरिया आया है कि आपकी जो कंडीशन है वो तभी मिलेंगे आपको 5 नंबर गवर्नमेंट जॉब के, जब आपकी पर्टिकुलर इनकम के दायरे में अगर आप आते हैं, अगर वो चीज़ आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहीं पर आप लिख कर साइन कर दें कि हम नो, हम नहीं चाहते क्लेम, और क्या नाम है,
रीज़न ये है हमारा कि हमारी हाई इनकम है, या फिर क्या नाम है जो हमारा वो है वो लिख के साइन करेंगे, वो खुद वो वहाँ से साइन करवाते हैं ऐसे करके। तो आप पहले ही साइन करके रख लेना, जिनको लगता है कि नहीं भाई क्या पता वीडियो में गलत बता रहा हो, ठीक है ना, या फिर ऐसा लगे तो वो अपना अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी जब वो वहाँ जाएंगे, चेयर पे बैठेंगे, चेयर पे बैठ के फिर उनको कहेंगे ये फिल करें, तो वो क्या करते हैं, वो आपका वो वहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, वो आपको उठा देंगे, आप कहीं आप बैठ के वापस दोबारा आना, तो फिर आपका ही टाइम वेस्ट होगा और एक्स्ट्रा आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरा बंदा या तीसरे का नंबर चल रहा होगा, फिर आपको दोबारा से अगेन 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर, ठीक है, क्योंकि मैं भी फॉर्म फिल करके आया हूँ ऐसे में से, तो वहाँ पे उन्होंने करवाया बेसिकली, उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दी थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि ताकि किसी को परेशान ना हो। रिमार्क वाले में कोई कुछ लिखना, रिमार्क का काम उनका होता है, रिमार्क में वो आपको क्या दे रहे हैं वेरीफाइड या जो भी, रिमार्क में मत लिखना। सर्टिफिकेट नंबर वाले में रीज़न लिख देना और बीच में इशूइंग डेट या इस पर कहीं पर भी आपका साइन भी डेट डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या नाम है जिसके फॉर्म में कोई एरर था, जिन्होंने गलती से कोई ये क्या नाम है इसको ये वो कर लिया था, क्या नाम है अवेल कर लिया था कि मुझे मार्क्स चाहिए, तो वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है। अब आते हैं पेजिंग नंबर की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है पेजिंग नंबर, और यहाँ पर डेट साइन, ये साइन तो आप मार ही दोगे अपने साइन विद डेट, ये आप कर लोगे। अब मेन चीज़ है इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग वाला पेज सबसे पहले लगेगा, और इस इंडेक्सिंग वाले पेज के ऊपर लगेगा आपका ये वाला पेज, ठीक है, जिसमें आप लिखोगे पोस्ट क्या है आपकी, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी जो भी आपका 7-12 जो भी है, जो भी आपने फिल कर रखा है, कमेटी आपको मिली जाएगी वहाँ से, डेट डालोगे, रोल नंबर, कैंडिडेट, फादर नेम, और यहाँ पर आपने साइन। ये पेज जो है आपको सबसे टॉप पे रखना है, ये आएगा सबसे टॉप पर, टॉप के बाद जो फिर आएगा आपका इंडेक्स, और उसके बाद आएगा फिर आपका आएगा ये वाला स्क्रूटनी का परफॉर्मा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सबने पढ़ रखी है, फॉर्म सबने फिल कर लिया है, बट मैं अब इंस्ट्रक्शन जो बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना। सबसे ऊपर ये रखना, जैसे आप एंटर करोगे बिल्डिंग के अंदर, तो सबसे पहले ये आपको जो बायोमेट्रिक होगी वहाँ पर दिखाना होगा, तो यहाँ पर जैसे बायोमेट्रिक है तो वो यहाँ पर आपको स्टैंप लगा देंगे। अब इसको आपको लेके जाना है वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी जब कराओगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में हो, आपका एडमिट कार्ड हाथ में होगा, आपकी फ़ोटो विद रोल नंबर वो मैच कर लेंगे, उस पर वीडियो बना के आपकी रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का एडमिट कार्ड गुम हो रखा हो या फट गया हो तो नहीं सोचो क्या होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेश अपना प्रिंट लेके जा सकते हैं एडमिट कार्ड का। तो उसके बाद फिर आप जब जाओगे तो ओह माय गॉड यहाँ पे थोड़ा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो उसके बाद फिर जब इंडेक्सिंग की बात आओगी, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भैया इंडेक्सिंग, देखो ध्यान से इंडेक्सिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल से स्क्रूटनी परफॉर्मा, स्क्रूटनी परफॉर्मा कोई वन साइड प्रिंट करा रहा है तो उसके पेज कितने होंगे, एक। बट अगर बोथ साइड प्रिंट करा रहा है, सॉरी बोथ साइड प्रिंट करा रहा है तो पेज कितने होंगे, एक। अगर अलग अलग प्रिंट करा रहा है तो स्क्रूटनी परफॉर्मा में पेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेज इज 2। डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसने मेवात का और रेस्ट ऑफ हरियाणा भर रखा है और अलग अलग पेज निकलवा रखा है प्रिंट, तो उसके पेज बनेंगे 8। और जिसने बोथ साइड प्रिंट करा रखा है उन दोनों एप्लीकेशन फॉर्म के मिलेंगे 4। फिर मैट्रिकुलेशन का सबका एक होता है, 10+2 का एक। ग्रेजुएशन के 3 या 4 या 6 सेमेस्टर है तो 7 भी हो सकते हैं, 6 सेमेस्टर की DMC प्लस एक डिग्री, तो डिपेंडिंग ऑन 6, 7, 8 जो भी है मार्क्स, और डिग्री भी लगानी है इसके साथ में, तीनों साल की मार्कशीट प्लस डिग्री। उसके बाद सेम केस विद BEd, STAT। अब यहाँ पर सब कैटेगरी किसी की है तो कोई सर्टिफिकेट है किसी के पास, कास्ट सर्टिफिकेट है या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो इस ऑर्डर में लगा लेना आपने। अब आती है CA, सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर ऑफ पेजेस कैसे लिखेंगे। स्क्रूटनी परफॉर्मा पे आपने डाल देना है नंबर 1, कैसे, जैसे ये था तो आपको यहाँ पर डाल देना है नंबर 1। अगर आपने एक सिंगल साइड प्रिंट करा रखा तो ऐसे ही चल जाएगा, बोथ साइड प्रिंट है तो ये हो गया आपका पेज नंबर 2, ठीक है। उसके बाद सेम केस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका निकलेगा, एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जो निकलेगा उस पर फिर आप डाल दोगे। अब यहाँ पे जैसे लिखना है स्क्रूटनी परफॉर्मा क्या, 1 to 2, फिर उसके बाद आपका जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा 2 to 2, अगर 4 है तो 3 से 6, फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन फिर आप डाल दोगे 7, 8 ऐसे करके, और ग्रेजुएशन का आपका हो जाएगा 4 और डाल दो, यानी कि तो 8 हो गया आपका, 9, 10, 11, 12, तो 12 तक हो गया आपका ग्रेजुएशन, ऐसे कर करके आपको उस पर इंडेक्सिंग नंबरिंग कर लेनी है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत यही है कि वो इंडेक्सिंग या मार्क ये नंबर ये कन्फ्यूज है कि ये कैसे डालना है नंबर। अभी नंबर नहीं डालते हो तो अगेन वही वो करते हैं कि जाओ बैठ के पहले नंबर डाल के लेके आओ, फिर आपका अगेन टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं, प्रॉपर आपका फॉर्म फिल हो चुका है अब, ठीक है, साइन आपने हर जगह कर दिए साइन विद डेट, तो आप बिना टेंशन के रिलैक्स हो के जा सकते हो, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही विद इन 5 मिनट
डॉक्यूमेंट देकर वेरीफाई कराकर आ सकते हो। पहले ये डॉक्यूमेंट जो होगा जब आप चेयर पे बैठेंगे तो एक फाइल आप पकड़ाओगे उनको। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टेपल मत करना, ठीक है, डू नॉट स्टेपल यूर डॉक्यूमेंट्स, ना स्टेपल करना ना ही पंच करके उसमें होल करके थ्रेड डालना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यही डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके मशीन में डालेंगे पूरा बंच का बंच, और वो एक साथ स्कैन करेगा। अब कईयों को टेंशन होगी कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट बोथ साइडेड है तो स्कैन लेगा, वो तो एक ही साइड से स्कैन लेगा, ऐसा नहीं है। जो मशीन है वो बोथ साइडेड इंक डिटेक्ट करती है, और इंक डिटेक्ट की वजह से वो दोनों तरफ ही स्कैन करेगी, तो आपका डॉक्यूमेंट फुल स्कैन फाइल स्कैन होगी। फिर वहाँ पर आपको साइन करवाएंगे, वो साइन और लेफ्ट थंब, बॉयज़ का लेफ्ट थंब है भाई, याद रखना लेफ्ट थंब। जब बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक में आपका जाएगा राइट थंब, राइट थंब। और जब उस पर साइन क्या नाम, जब आपका थंब लगेगा मेन उस पर डॉक्यूमेंट ये वेरीफाई जब होंगे, तब आपका साइन के साथ में लेफ्ट थंब लगेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर था। कोई भाई बहुत दूर से जा रहा है, कंफ्यूज है, जिसका कल परसों है, तो ट्रेन से जा सकते हो इजीली, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये, वहाँ से आप आ सकते हो। अगर बाई बस जा रहे हैं तो जीरकपुर उतरिए, जीरकपुर से आपको सीधा ऑटो मिलते हैं, 40 रुपये 50 रुपये चार्ज करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने लोग हैं, तो कम करा सकते हैं 30 के अराउंड। बस के अंदर बैठ के जाओगे तो 20 रुपये चार्जेज आपके बस, और बस वहाँ से एक पिंक कलर की चलती है पंचकुला वाली, तो वो आपको उतारते हुए जाती है। पेपर देने आप आए, आप लोग आए हो ऑलरेडी पंचकुला, तो सभी को वो चीज़ आइडिया है कि कैसे पहुँचना है। बट कई बार फिर भी ऐसा हो जाता है, कई लोग बस से आते हैं पर उनको नहीं पता होता कि जो ट्रेन है ट्रेन के स्टेशन से बिल्कुल पास है, या फिर कई लोगों को लगता है कि 3 बजे DV ख़त्म हुआ है तो हम भाग लेते हैं बस में, मिले ना मिले, तो 4, 4:15, 5 बजे के अराउंड उचार चलती है वहाँ से, उचार में आप बैठिए आराम से, तो दिल्ली रूट या कई रेवाड़ी रूट तक जाना है आपको, तो आप इजीली पहुँच जाओगे। फिर पानीपत से आप बस पकड़नी है, हाँ पानीपत में एक चेंज हो गया है कि पानीपत में नया और पुराना बस स्टैंड ओपन हो गया है, तो कुछ बसें पुराने से मिलती हैं कुछ नए से मिलती हैं, तो बेटर आप करनाल से या उससे पानीपत से पहले ही कहीं बस स्विच करना चाहते हो रोहतक के लिए लेफ्ट राइट के लिए, तो पहले ही स्विच कर लें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाकी किसी को कोई इशू है तो कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।